इस यशस्वी महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शर्मा साहब, मंच पर आसीन डॉक्टर हजेला साहब, डॉक्टर आलोक मिश्रा जी और अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर भारती पांडे, सभागार में उपस्थित मेरे सहयोगी शिक्षक गण और प्रिय छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम तो मैं महाविद्यालय और अर्थशास्त्र विभाग के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे आने का एक अवसर प्रदान किया और एक विषय पर अपनी बात को आपके सामने रखने का एक प्रसंग उपस्थित हुआ। जहां तक आज के विषय का संबंध है, तो वैसे तो मेरी तो कोई बहुत गति अर्थशास्त्र में नहीं है और जितनी भी आधुनिक ज्ञान की शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञानों से लेकर सामाजिक विज्ञानों तक, उनकी मूलभूत मान्यताओं के प्रति मेरे मन में सदैव एक शंका भी रही है और मैं ये मानता हूं कि जो आधुनिक ज्ञान है वो वस्तुतः जीवन की संपूर्ण और समग्र दृष्टि प्रदान नहीं करता, इसलिए उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम पहाड़ खोद रहे हैं और उसमें से चूहा निकल रहा है। ये एक ऐसा पक्ष है जिस पर संपूर्ण शिक्षा जगत को विचार करने की आवश्यकता है। अब जहां तक अर्थशास्त्र का संबंध है, अभी भारती जी ने अपने प्राकथन में कहा कि जो आधुनिक दृष्टि है अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र या विज्ञान या कला या साहित्य को देखने की, वो परंपरागत दृष्टि से नितांत भिन्न है। इट इज रेडिकली अपोज्ड टू ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। थोड़ा बहुत भेद नहीं, नितांत भिन्न, रेडिकली अपोज्ड। क्यों? क्योंकि आधुनिकता मनुष्य को जिस दृष्टि से देखती है, परंपरा में मनुष्य को उस दृष्टि से नहीं देखा गया। इसलिए जो भी हमारी आज की विद्याएं हैं, जो भी हमारे आधुनिक शास्त्र हैं, उनके जो मूल सिद्धांत हैं, उनकी जो मूल मान्यताएं हैं, उनकी उस परंपरागत चिंतन से संगति नहीं बैठती और आधुनिक काल में हम उसी संगति को बैठाने की तमाम कोशिशें करते हैं, तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन उनके वांछित परिणाम नहीं निकलते और निकल भी नहीं सकते। जैसा कि प्लेटो ने किसी संदर्भ में कहा है अपनी एक प्रसिद्ध रचना में कि आप ज्वलनशील पदार्थों से फायर प्रूफ बिल्डिंग नहीं बना सकते, यू कैनॉट मेक ए फायर प्रूफ बिल्डिंग आउट ऑफ कंबस्टिबल मेटीरियल। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्र है और उसके जो मूल सिद्धांतकार हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, जैसे कि जेबी से, जैसे कि मार्शल, जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स, जिन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का प्रणयन किया, वो स्वयं अर्थशास्त्र की भूमिका को लेकर संदेह और मत भिन्नता की स्थिति में है। उदाहरण के तौर से दो मुख्य दृष्टियां हैं आधुनिक अर्थशास्त्र में को देखने की विद्वानों के बीच। एक तो वो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक्विजिटिव, जिसको कि मर्फी एक बड़े अर्थशास्त्री हुए हमारे समय के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उन्होंने कहा कि एक तो अर्थशास्त्र को देखने की दृष्टि है जिसको कि वो कहते हैं एक्यूजिटिव इकोनॉमिक्स, कि मुझे मेरे स्वार्थ की सिद्धि कैसे होगी आर्थिक गतिविधियों से, मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा आर्थिक गतिविधियों से, जिसमें इंडिविजुअल का जो प्रॉफिट है वो लक्ष्य हो जाता है।
इसको कहते हैं एक्विजिटिव इकोनॉमिक्स, टू एक्वायर मोर एंड मोर टू सेटिस्फाई एवर इंक्रीजिंग वांट्स, कि मेरी रोज बढ़ती हुई आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अधिकतम धन मैं कैसे अर्जित करूं। क्योंकि एडम स्मिथ कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, धन के अर्जित करने के या वितरण करने के विज्ञान का नाम। तो एक तो दृष्टि ये है अर्थशास्त्र को देखने की, और दूसरी दृष्टि एक उन बाद में चल के अर्थशास्त्रियों में थोड़ा सा मतभिन्नता हुई तो उनका कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो एक्विजिटिव नहीं है, प्रोडक्टिव है, उत्पादकता बढ़ाने वाला, और किसके लिए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए उत्पादकता बढ़ाने वाला शास्त्र है। समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए उत्पादन और वितरण और विनिमय, जो चार उसके मूल सिद्धांत माने जाते हैं, उनका अध्ययन करने वाला शास्त्र है कि धन का उत्पादन कैसे बढ़े, बढ़े हुए उत्पादन का वितरण कैसे हो, फिर विनिमय के सिद्धांत क्या हो, ये सब अर्थशास्त्र के, और इन सब का संबंध समाज और राष्ट्र के संदर्भ में करता है। तो ये दोनों दृष्टियां चलती रही। एडम स्मिथ ने एक बात ये कही थी जब उसने वेल्थ ऑफ द नेशंस नाम के अपने ग्रंथ का प्रणयन किया, कि अगर आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो परमार्थ अपने आप सज जाता है। जो आजकल वैश्वीकरण में जो तर्क चल रहा है कि अगर संपन्नता बढ़ेगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आजकल उसको कहते हैं, कि वो धीरे धीरे नीचे तक पहुंच जाएगी, उसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, गरीब गरीब नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे गरीब की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। तो एडम स्मिथ ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया है, इनविजिबल हैंड, कि जब आप व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करते हैं प्रॉफिट कमा के, तो उससे अंततः समाज का भी कहीं ना कहीं कल्याण हो ही जाता है। इसलिए स्वार्थ की सिद्धि परमार्थ को साधने का ही एक तरीका है, उसको लेकर अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, कुछ लोगों का लाभ हो रहा है। तो एडम स्मिथ ने अपने इनविजिबल हैंड आर्गुमेंट के द्वारा ये कहा कि नहीं, अगर कुछ लोग समृद्ध होंगे तो इससे देश की समृद्धि बढ़ेगी। तो ये जो दृष्टिकोण है, वो जो दृष्टिकोण है, वो अर्थशास्त्र में ये मानता है कि स्वार्थ और परमार्थ में कोई विरोध नहीं है, स्वार्थ की सिद्धि अंततः परमार्थ को साधने का माध्यम होती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, क्या दोनों में अविरोध है? और अगर अविरोध होता तो दोनों पर्यायवाची ना होते, दोनों सिनोनिमस ना होते। तो अविरोध तो नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी के का जो संदर्भ था, जबकि लेजे फेयर का सिद्धांत, मुक्त व्यापार का सिद्धांत मान्य सिद्धांत था, ऐसी स्थिति में जो व्यापारी थे, जो पूंजीपति थे, वो चाहते थे कि हम जो समझे वो करें, राज्य और समाज उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। तो अपनी बात को औचित्यपूर्ण बताने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारी समृद्धि बढ़ेगी तो समष्टि की भी समृद्धि बढ़ेगी, इसकी हमको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, आर्थिक जीवन के आर्थिक जीवन को नियमित करने की, रेगुलेट करने की कोशिश ना करिए। लेकिन सत्य यह है कि दोनों में अविरोध नहीं होता। समष्टि को प्राथमिकता देकर जब व्यष्टि पर विचार किया जाता है तब सामंजस्य होता है। व्यष्टि को प्राथमिकता देकर ये समझना कि नहीं, समष्टि की ऑटोमेटिकली उसका कल्याण हो जाएगा, इस तरह से होता नहीं। बल्कि जब आप समष्टि को प्रधानता देते हुए होल को जब आप ध्यान में रखकर काम करेंगे तो पार्ट्स का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन पार्ट्स के ऊपर लक्ष्य रख के आप काम करेंगे तो जरूरी नहीं कि होल का कल्याण हो, बल्कि शायद ये स्थिति आ जाए कि जो होल है, जो समष्टि है, वो डिसफंक्शनल हो जाए, वो पटरी से ही उतर जाए, जैसा कि आजकल कोई स्थितियां पैदा हो गई। तो इसलिए अर्थशास्त्र में ये दो दृष्टियां रहती, एक्विजिटिव इकोनॉमिक्स की और प्रोडक्टिव इकोनॉमिक्स की,
और दोनों के बीच कैसे सामंजस्य किया जाए, इसको लेकर अनेक प्रकार के सिद्धांत और अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रतिपादित की गई पश्चिमी जगत में। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए ऑस्ट्रिया के 20वीं शताब्दी में ही, लुडविग वॉन मिसेस, जो कि अर्थशास्त्रियों में बड़े विचारशील अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। He was intellectual among the economists. He was called the philosopher of economics. उन्होंने कई कालजयी रचनाएं लिखी। उन्होंने जो अर्थशास्त्र की आधुनिक पाश्चात्य अवधारणा है उसके ऊपर एक बहुत कड़ी चोट की है और ये कहा है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये धन को ही साध्य मानकर व्यक्ति और समाज के ऊपर विचार करता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। धन जीवन का एक साधन तो है लेकिन धन साध्य नहीं हो सकता, और जब आप धन को साध्य मानकर विचार करेंगे और धन के जो लक्ष्य है उसको किसी उच्चतर लक्ष्य से संचालित नहीं होने देंगे तो ऐसी जो संपन्नता है उससे सोने की लंका का तो सृजन हो सकता है लेकिन रामराज्य का सृजन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की तो आधुनिक अर्थशास्त्र से क्या हम के मान जो मान्य सिद्धांत हैं या आधुनिक राजनीति शास्त्र के जो मान्य सिद्धांत हैं वे सोने की लंका की स्थापना करना चाहते हैं। लंका में कोई कम समृद्धि नहीं थी, सुख सुविधाओं और भोग के सामग्री की कोई कमी नहीं थी, सोने की ही थी। आज भी आप तमाम प्रयास करके सोने का कोई देश नहीं बना पाए, कितनी समृद्धि रही होगी और उसके तमाम प्रमाण इतिहास और पुराण में प्राप्त भी होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हमारी आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र या स्वायत्त होनी चाहिए या हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वे किसी उच्चतर लक्ष्य से निर्धारित होनी चाहिए। तो लुडविग मिसेस ने कहा कि बगैर मेटाफिजिक्स की तरफ ध्यान दिए कोई इकोनॉमिक्स, कोई ट्रू इकोनॉमिक्स बन नहीं सकती, बगैर तत्व शास्त्र की तरफ देखे किसी सम्यक अर्थशास्त्र का निर्माण नहीं हो सकता। और जो पॉजिटिविज्म है, जो विज्ञानवाद है, और आप जानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धतियां सबसे ज्यादा अगर किसी सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रयुक्त की गई तो वो अर्थशास्त्र है। जो नेचुरल साइंस के मेथड्स हैं वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किए गए। अगर कोई मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन है सोशल साइंसेस में तो वो इकोनॉमिक्स हमेशा से माना गया, क्योंकि उसमें क्वांटिफिकेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जब क्वांटिफिकेशन को आप बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल टेक्निक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जो इकोनॉमेट्रिक्स नाम की जो शाखा है वो तो पूरी तरह से मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करके आर्थिक जीवन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, संख्यात्मक विश्लेषण करना है कि इसका प्रोडक्शन कितना बढ़ा, ये जो ट्रेड साइकिल है वो कितने साल चला, अब ये दूसरा ट्रेड साइकिल कितने साल चलेगा, क्यों इतने साल चला, कौन से फैक्टर्स थे, ये सब चीजें। कभी इस बात की भी चिंता की गई कि जो गुणात्मक पक्ष है उसकी तरफ हम कितना ध्यान दे रहे हैं। जीवन में अगर हमारी अप्रोच केवल क्वांटिफिकेशन की होगी तो जीवन की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे तिरस्कृत होती चली जाएगी और अंततः समाप्त होती चली जाएगी। आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, आप देखिए कि आजकल के तमाम जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर और क्या क्या बात होती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं, हैप्पीनेस, ये मानव जीवन का लक्ष्य होता है।
और जरूरी नहीं कि प्रॉस्पेरिटी संपन्नता आपको आनंद पूर्ण जीवन आपको प्रदान कर सके। क्यों? क्योंकि आनंद के तमाम स्रोत होते हैं, केवल धन से आनंद नहीं मिलता है। जो हैप्पीनेस है, एक सुखी जीवन, आनंद पूर्ण जीवन, उसका धन से कोई सीधा संबंध नहीं, कोई काज इफेक्ट रिलेशन नहीं कि आपकी इनकम ज्यादा हो गई, चाहे व्यक्ति की और चाहे राष्ट्र की, तो वहां सब आनंद में है, सुख में है। जो इकोनॉमिक्स की दो जो भाग किए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो, तो माइक्रो में आप फैमिलीज को और सिटीज को स्टडी करते हैं क्वांटिफाइंग टेक्निक्स के द्वारा, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप नेशंस और वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं संख्यात्मक तकनीकों के द्वारा। एक परिवार कब सुखी है? परिवार को सुखी बनाने में धन संपत्ति का महत्व है, लेकिन परिवार को सुखी बनाने में धन और संपत्ति केवल एक कारक है, उसके और भी बहुत सारे कारक हैं। जैसे एक सबसे बड़ा कारक है कि परिवार के सदस्यों के संस्कार श्रेष्ठ हों, तब परिवार सुखी होगा। धन है और आदतें बिगड़ी हुई हैं, संस्कार बिगड़े हुए हैं, तो परिवार अपने लिए बोझ बन जाएगा। धन ही विग्रह का कारण बनेगा, सुख का नहीं बल्कि विग्रह का, दुख का, असंतोष का। परिवारों के चार चार टुकड़े हो जाएंगे उस धन की वजह से, अगर संस्कारशीलता नहीं है। ये संस्कार का प्रश्न क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रश्न है, और इसका क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसको आप क्वांटिटेटिव टेक्निक से आप इसको एसेस नहीं कर सकते, इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसको जानने के लिए आपकी जीवन दृष्टि क्या है, आपको तत्व शास्त्र, आप तत्व चिंतन करते हैं कि नहीं, इसका महत्व होता है। इसलिए जो आधुनिक अर्थशास्त्र को विज्ञान बनाने का जो प्रयास हुआ, केवल अर्थशास्त्र को नहीं, सभी विषयों में, राजनीति शास्त्र में भी वही हुआ, समाजशास्त्र में भी वही हुआ कि एक साइंस ऑफ सोसाइटी हम बनाएंगे, या पॉलिटिक्स में हुआ कि हम एक साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बनाएंगे। नेचुरल साइंस के पैटर्न पर सारे सामाजिक विद्याओं को हम ढाल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये मृग मरीचिका अब टूट चुकी है, ये भ्रम अब टूट चुका है, क्योंकि मनुष्य का आप उस तरह से अध्ययन नहीं कर सकते जैसे कि आप पत्थर का अध्ययन करते हैं, अणुओं का अध्ययन करते हैं, या दूसरे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। इसलिए उनकी पद्धतियों को के आधार पर मनुष्य और समाज का अध्ययन नहीं हो सकता। ये जो साइंटिज्म है, इस साइंटिज्म की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो विज्ञानवाद है उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो साध्य नहीं हो सकता है, वो परम विद्या नहीं हो सकती है। हमारे दौर में विज्ञान को ईश्वर का स्थान प्रदान किया गया। अब ये जिस भी गलत फहमी में किया गया हो, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ सुख सुविधाओं की उसकी वजह से वृद्धि हो गई, कुछ ऐसे चमत्कार उससे कर दिए, तो हमने मान लिया कि बस अब किसी हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अब हमें किसी तत्व चिंतन की आवश्यकता नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो आपको आपके जीवन के लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता। वो आपको कुछ सुख सुविधाओं की सामग्री तो दे सकता है, लेकिन आपको सद्गुण नहीं दे सकता। वर्च्यू इट कैन नॉट बी सोर्स ऑफ वर्च्यू, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, बट इट कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ द वर्च्यू। एंड ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स मोर ऑन वर्च्यू देन ऑन कंफर्ट्स, कि मनुष्य के जीवन की श्रेष्ठता सद्गुणों पर निर्भर है, सुविधाओं पर नहीं। तो पूरा जो प्रयास चला गया विज्ञान को साध्य मानने से, और विज्ञान के प्रभाव में जब समाज की विद्याएं, समाज विद्याएं भी उसी प्रभाव में आ गईं, तो यह है कि एक साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स बनाएंगे, कि कुछ फार्मूले हम ढूंढ लेंगे, जैसे कि न्यूटन के या आइंस्टाइन के या हाइजेनबर्ग के सिद्धांतों से हम नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे यहां भी उससे भी आप नहीं कर सकते, न्यूटन के सिद्धांतों से यूनिवर्स 100-150 साल एक्सप्लेन होता रहा, बाद में समस्याएं आने लगी।
बाद में पता चला कि नहीं, न्यूटन के जो सिद्धांत हैं उनसे यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, दे आर ओनली पार्शियली ट्रू। तो ये जब, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये मनुष्य की बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता, मनुष्य के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर सके। मनुष्य की बुद्धि की सीमाएं, मनुष्य की क्षमताओं की सीमाएं, वो ना इस ब्रह्मांड को जान सकता है पूरी तरह से, और ना इस ब्रह्मांड के अंदर जो समाज है, जो राज्य है, उसके प्रश्नों को पूरी तरह से जान और हल कर सकता है। विज्ञान ने एक एरोगेंस तो पैदा कर दिया, एक अहंकार पैदा कर दिया, जिसको कि आजकल के एक बड़े विचारक डेविड एरनफेल्ड कहते हैं एरोगेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म, कि मनुष्य के पास बड़ी बुद्धि है, किसी ईश्वर की हमें आवश्यकता नहीं, किसी परम सत्ता की हमें आवश्यकता नहीं, हमें किसी दैवी विधान की आवश्यकता नहीं, कोई नेचुरल लॉ नहीं होता है, सब चीज हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि विज्ञान के तीन लक्ष्य हैं, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और प्रिडिक्शन, और उनका बस ये तीनों बातें हमारे हाथ में हैं, तो लिहाजा अब किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, हमने जो है सबको रिप्लेस कर दिया, हमने सबका स्थान ले दिया। तो इसको डेविड एरनफेल्ड कहते हैं एरोगेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म। अगर ये सम्यक विद्या होती तो ये आपको विनयशील बनाती, अविद्या ही अहंकारी बनाती है, विद्या कभी अहंकारी नहीं बनाती। और अगर समाज में अहंकार बढ़ रहा है तो इसके मतलब है विद्या नहीं, अविद्या का प्रसार बढ़ रहा है। अगर विद्या का प्रसार बढ़ता तो अहंकार नहीं, विनम्रता की वृद्धि होती, शिष्टाचार की वृद्धि होती, विनय उसके परिणाम स्वरूप बढ़ता है। तो इसलिए जो विज्ञान है इसने हमारे सामने जीवन का जो बृहत्तर स्वरूप था या जीवन के जो बृहत्तर लक्ष्य थे उनकी तरफ से ध्यान हटा के सुख सुविधाओं को भोगने तक मनुष्य को सीमित कर दिया, जिनको उसने अपने चमत्कार कहा, और मनुष्य ने सोचा कि बस जीवन यहीं तक है। लेकिन जब आपने जीवन के बृहत्तर लक्ष्यों को ओझल कर दिया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिगड़नी ही बिगड़नी थी। आप भोगी तो बन सकते हैं लेकिन आप एक मनुष्य नहीं बन सकते, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकते। इंडल्जेंस का लेवल बढ़ेगा, समाज में इंडल्जेंस का लेवल बढ़ेगा, ये भी सुख हमको मिल जाए, कोई सुख मेरे भोगने से बाकी ना रहे, लेकिन जो भोग है वो मनुष्यत्व का क्षरण करता है, उसका नाश करता है। संस्कारों का क्षरण भोग से होता है और संस्कारों की वृद्धि योग से होती है। तो जब जीवन की एक विशेष दृष्टि आधुनिक विज्ञान ने दी और उसी आधार पर सारे सामाजिक विज्ञान भी जब बनने लगे तो फिर इसमें आश्चर्य क्या कि इन सभी की मनुष्य और मनुष्य के समाज से आनंद की तो धीरे धीरे लोप होता चला जाता और मनुष्य का समाज दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को भोगने में लग जाता और समझता कि इसी में सुख की प्राप्ति होगी। जिसको लियो स्ट्रॉस कहते हैं, अमेरिका के एक बड़े दार्शनिक 20वीं शताब्दी के हुए, जॉयलेस क्वेस्ट फॉर जॉय, आनंद के लिए आनंदहीन खोज दौड़, जॉयलेस क्वेस्ट फॉर जॉय, दिस बिकम्स द डेस्टिनी ऑफ मैन, ये मनुष्य की नियति बन जाती है। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि ये जो
अर्थशास्त्र की जो पाश्चात्य दृष्टि है, और हमने अभी आपको बताया कि जो विजित राम का अर्थशास्त्र हुआ 20वीं शताब्दी में, उसने इसी बात पर बड़ा दुख प्रकट किया कि इन अर्थशास्त्रियों को क्या हो गया, ये क्यों भूल जाते हैं कि वेल्थ, चाहे वो फैमिली की हो चाहे वो नेशनल वेल्थ हो, वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ह्यूमन हैप्पीनेस का, वो केवल एक घटक है ह्यूमन हैप्पीनेस का। मनुष्य का जो आनंद है, जो सुख है, वो तमाम दूसरे कारकों पर आश्रित है, और हम उन दूसरे कारकों की उपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी साइंटिफिक अप्रोच की परिधि में नहीं आते। यानी हर चीज जो कि साइंटिफिकली स्टडी की जा सकती है, केवल हम उसको सही मानेंगे, बाकी हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। वो सब अंधविश्वास हो गया, पूर्वाग्रह हो गए, गलत मान्यताएं हो गई। ये जो मानसिकता हमारे अंदर आई कि हमने साइंस और नॉन साइंस का ऐसे क्लियर कट भेद कर दिया, और हर चीज को साइंटिफिक जब तक वो है तब मानेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू समाज में तमाम व्रत त्योहार हैं, तर्क दिया जाता था कि हम व्रत इसलिए नहीं करते कि साइंटिफिक रीजन के कारण व्रत करते हैं, रिलीजियस रीजन के कारण नहीं करते हैं। क्यों? उसमें क्या नुकसान हो जाएगा, इसमें क्या क्या परेशानी है कि हम व्रत वैज्ञानिक कारणों से करते हैं। मूल सिद्धांत व्रत का क्या है? वो शरीर की शुद्धि नहीं है, वो शरीर की शुद्धि के लिए नहीं किया जाता है, आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। शरीर की शुद्धि तो आप वैसे भी तमाम तरीकों से कर सकते हैं, और शरीर भी शुद्ध नहीं रहेगा अगर आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो। आत्मा की, क्योंकि आत्मा शरीर का अधिष्ठान है, केवल शरीर पर ध्यान देने से शरीर आपके नियंत्रण में आने वाला नहीं। शरीर को अगर नियंत्रण में रखना है तो शरीर का जो अधिष्ठान है उस पर दृष्टि केंद्रित करना पड़ेगा। तो ये विज्ञान का जो कहर टूटा हमारे समाज के ऊपर, हमारी व्यवस्था के ऊपर, उसने आनंद को आपसे छीन लिया कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करके। प्लेजर और हैप्पीनेस में अंतर होता है, प्लेजर इज नॉट हैप्पीनेस, सुख आनंद नहीं है, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन आनंद का कोई विलोम आप नहीं बता सकते, उसका कोई निगेशन आप नहीं बता सकते। आप कहते हैं कि ये खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है, इसमें बड़ी सुख मिलता है, लेकिन आप जलेबी एक हफ्ते लगातार खाइए, फिर पता चल जाएगा कि कितना सुख मिलता है, है ना? तो इसलिए ऐसा भोजन हो कि जो शरीर को संतुलित रखे, शरीर को नियंत्रित रखे। केवल जीभ के सुख के लिए या पेट के सुख के लिए भोजन नहीं किया जाता है, और अगर वो दृष्टि होगी तो उसके रोग उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अनेक प्रकार के बढ़िया बढ़िया रोग उत्पन्न होंगे, फिर डॉक्टर उनके एनालिसिस करेंगे, फिर कहेंगे कि मेडिकल साइंस की बड़ी वृद्धि हो गई, है ना? तो ये जो दृष्टि है जीवन की, इस दृष्टि के चलते जो पाश्चात्य अर्थशास्त्र की दृष्टि है वो मनुष्य के आर्थिक कल्याण का कारण नहीं, कारक नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मनुष्य के तात्विक कल्याण को भूलकर मनुष्य का कोई आर्थिक कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य का तात्विक कल्याण अगर होगा तब उसका आर्थिक कल्याण भी होगा, लेकिन अगर मनुष्य का तात्विक कल्याण हम विस्मृत कर लेंगे और कहेंगे कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक वेलफेयर, तो उससे वो काम होने वाला नहीं है। भारतीय दृष्टि इससे नितांत भिन्न है। क्यों? क्योंकि भारत में मनुष्य को आर्थिक प्राणी नहीं माना गया, जैसे कि आधुनिक अर्थशास्त्र मानता है, या राजनीति शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, या समाजशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
अब क्या है पहले तो ये तय कर लीजिए कि वो है क्या, कि व्हाट इज मैन, मनुष्य है क्या। इसके मतलब ये कि यानी जो एंगल हमको दिखाई वो पंचतंत्र में कथा आती है कि एक हाथी जा रहा था और पांच लोग थे दुर्भाग्य से जो कि दृष्टिहीन थे, तो जब उनसे पूछा उनको उन्होंने कहा कि भाई क्या जा रहा है, बड़ा कोई शोर हो रहा है, शरीर सड़क पर धमक पड़ रही है, तो किसी ने बताया कि हाथी नाम का प्राणी है, तो उनका जरा हम भी देख समझ लें, तो उन्होंने स्पर्श करके उसको देखा समझा और जिसके हाथ में जो भी अंग हाथी का आया उसने कहा कि हाथी यही होता है, जिसके हाथ में सूंड आई उसने समझा कि हाथी इतना ही होता है, जिसके हाथ में पैर आया उसने समझा कि हाथी इतना ही होता है। तो इसलिए पक्ष जो है एस्पेक्ट इज नॉट द होल ऑफ द थिंग, किसी चीज के पक्ष हो सकते हैं लेकिन वो चीज अपनी पूर्णता में क्या है जब तक हम ये नहीं जानते तब तक उसके पक्ष को ठीक से हम कैसे समझ सकते हैं, उसका कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर खड़े हैं तो हमको हमारे देखने का एंगल एक है, आप वहां पर बैठे हैं तो आपके देखने का एंगल अलग है, तो आप अपने एंगल से जो चीजें देख रहे हैं बस उसी को ठीक माने, हम अपने एंगल से जो चीजें देख रहे हैं उसी को ठीक माने, तो ये हमारी आंशिक दृष्टि है। This is the incomplete way of looking at things. This is not the complete way of looking at things. तो ये इन सब विद्याओं के साथ समस्या है। मनुष्य क्या है? ये एक मूल प्रश्न है। और भारतीय दृष्टि कहती है कि आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्या निविदास्तव्या, कि आत्मा जो आत्म तत्व है वही मूल तत्व है, ये जो शरीर है वो केवल कलेवर है, वस्त्र है। अब जब आत्मा मूल तत्व है तो आपको शरीर से ज्यादा आत्मा की चिंता करनी है, जो चीज मूल है उसकी चिंता ज्यादा करनी पड़ेगी, जो चीज गौड़ है उसकी चिंता कम करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, सिद्धांत तो यही होगा। शरीर गौड़ है, प्रधान नहीं है, प्रधान आत्मा है, और क्योंकि शरीर प्रधान है नहीं है गौड़ है, तो शरीर और आत्मा प्रधान है, तो आत्मा के कल्याण के लिए क्या उचित है वो हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए, और जब वो हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा तो हमारी शरीर की आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाएंगी। आधुनिक अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्य बढ़ती हुई आवश्यकताओं का प्राणी है, मैन इज ए क्रीचर ऑफ एवर इंक्रीजिंग वांट्स, कोई उनकी सीमा ही नहीं, असंतोष और उस असंतोष का परिणाम प्रतिद्वंदिता और उस प्रतिद्वंदिता का परिणाम तनाव और उस तनाव का परिणाम संघर्ष और उस संघर्ष का परिणाम विनाश, बढ़ती हुई आवश्यकताओं का परिणाम यह होता है। लेकिन भारतीय दृष्टि यह है कि मनुष्य को अपने शरीर की आवश्यकताओं का परिसीमन करना चाहिए, तभी वो अपने आत्म कल्याण की तरफ ध्यान दे पाएगा। शरीर में उलझ गया तो आत्मा को भूल जाएगा, लेकिन अगर आत्मा को याद रखेगा तो शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा, जो बुनियादी जरूरतें शरीर की हैं वो पूरी होती रहे बस ठीक है। और जब आप आत्मा को प्रधान मानेंगे तो शरीर अपने आप ठीक बना रहेगा, क्योंकि शरीर को विचलित करने वाले या शरीर को विघटित करने वाले कारक शरीर के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से पैदा होते हैं। When you are over-possessed with your body gets out of control. जब आप शरीर की जरूरत से ज्यादा चिंता करेंगे तो शरीर आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि एक पक्षी हो गई। तो भारतीय अर्थशास्त्र की, भारत में वैसे अर्थशास्त्र शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, वार्ता शब्द प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र के लिए।
व्यापार वाणिज्य आर्थिक गतिविधियां, इनके लिए वार्ता शब्द आता है। अर्थशास्त्र शब्द तो वस्तुतः राजनीति शास्त्र के लिए आता है, क्योंकि अर्थ कहते हैं सभी प्रकार के संसाधनों से भरी हुई पृथ्वी जो कि राष्ट्र होती है, और जिसका अध्ययन करने वाली विद्या राजविद्या है, राजनीति शास्त्र। तो इसलिए वार्ता शब्द आता है, जो मॉडर्न जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं वो वार्ता शब्द उसके लिए है। आन्वीक्षकी, चार विद्याएं मूलतः हमारे यहां मानी गई, आन्वीक्षकी त्रयी। आन्वीक्षकी के मतलब लॉजिक, लॉजिक तो पद्धति है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो आन्वीक्षकी कि आपकी तर्क शक्ति बुद्धि शक्ति सम्यक रूप से विकसित होनी चाहिए, आपका भाषा पर व्याकरण पर शैली पर नियंत्रण होना चाहिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का यह लक्षण होता है। तो इसलिए आन्वीक्षकी तर्कशास्त्र, तर्क विद्या जो कि प्रवेश द्वार है सारी विद्याओं का, क्योंकि आप भाषा के माध्यम से ही तो आगे बढ़ेंगे, तर्क के माध्यम से ही तो आगे बढ़ेंगे। और इस प्रवेश द्वार के बाद त्रयी, तीन वेद हैं जो कि परम विद्या है। सबसे पहले वेदों का ज्ञान प्राप्त करिए, ब्रह्मांड के सम्यक स्वरूप को समझिए, और उसके बाद वार्ता, उसके अंतर्गत वार्ता है यानी आर्थिक जीवन आपका, और उसके बाद दंड नीति है यानी राजनीति शास्त्र। सारी विद्याएं इन चारों विद्याओं में समाहित है। तो इसलिए वार्ता शब्द है वस्तुतः तो अर्थशास्त्र के लिए कि जिसमें हमारी आर्थिक वाणिज्यिक व्यापारिक संबंधों का उल्लेख होता है, उसके सिद्धांतों का नियमन होता है। तो भारतीय दृष्टि में यह माना गया कि मनुष्य का जो कि जो इच्छाएं हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उनकी सीमा होती है, जिसको गांधी जी ने कहा कि प्रकृति ने हमारी इच्छाओं के लिए पूर्ति के लिए तो पर्याप्त दिया है, लेकिन हमारे लालच के लिए उसने पर्याप्त नहीं दिया है। नेचर हैज गिवन अस इनफ फॉर अवर नीड्स बट नॉट इनफ फॉर अवर ग्रीड, क्योंकि लालच की कोई सीमाएं नहीं हुआ करती। अगर हमारे अंदर लालच बढ़ रहा है तो हमको हमारी कितनी भी आमदनी हो उसमें हम असंतुष्ट ही रहेंगे, वो हमें कम ही नजर आएगा। तो इसलिए वहां पर यह है कि आप अपनी आवश्यकताओं का नियमन करें, पहली बात। दूसरी चीज यह है, दूसरा जो सिद्धांत है भारतीय अर्थशास्त्र का, वो ये कि अपने परिवेश से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वराज्य चाहते हैं, तो स्वदेशी के बगैर ये संभव नहीं। उससे प्रेम करिए, अपने परिवेश से अपनी आवश्यकताएं पूरी करिए, तब आर्थिक जीवन ठीक से चलेगा। उसमें जो रोज संकट आ जाते हैं ये संकट नहीं आएंगे, उसमें जो रोज विचलन आता है वो विचलन नहीं आएगा, उसमें स्थिरता होगी। एक जेसी कुमारप्पा हुए, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भारत के 20वीं शताब्दी के, उन्होंने इसको कहा इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस। तो ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस है कि जो हमारा परिवेश है, हमारी आवश्यकताएं सीमित हो, और हमारी आवश्यकताएं मुख्यतः, अगर पूर्णता नहीं तो मुख्यतः हमारे परिवेश से संतुष्ट की जाए। हाँ, कभी कोई चीज जरूरत पड़ती है तो हम और दूसरी जगह से मंगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरी की पूरी तरह आपकी, जिसको कि आजकल कहते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होना चाहिए, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं होना चाहिए। आयात कम से कम, निर्यात इस अर्थ में कि अगर आपसे कोई मदद हो सकती है तो आप दूसरे की मदद करिए, क्योंकि हमारे यहां निर्यात जो है वो कोई पैसा कमाने का साधन कभी नहीं माना गया है, आयात और निर्यात। उसमें मूल भाव यह है कि दूसरे लोगों के पास नहीं है, उनको कष्ट है, अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम उनको दे दें। उसमें मानवीय पक्ष प्रधान है, आर्थिक पक्ष प्रधान नहीं है। तो ये जो अपने परिवेश से आवश्यकताएं पूरा करना, जिसको कि स्वदेशी कहा जाता है, ये भारतीय अर्थशास्त्र का दूसरा आधारभूत सिद्धांत है।
जब आप स्वदेशी के सिद्धांत पर चलेंगे तभी आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अगर आपकी अर्थव्यवस्था दूसरों की कृपा पर निर्भर होगी या दूसरों के हस्तक्षेप पर निर्भर होगी तो वो दूसरे लोग जब चाहें आपकी अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर देंगे। अर्थव्यवस्था आपके नियंत्रण में नहीं। संकट कहीं पर कोरिया में आता है, उसका असर पूरे संसार में होता है। हमारे देश के व्यवस्था में कमी नहीं है, कमी कहीं दूसरे व्यवस्था देश की व्यवस्था में है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव विश्वव्यापी होते हैं। तो ये जो दृष्टि है कि अगर परिवेश में पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी तो वो स्थिर होगी, स्थायी होगी, उसमें आए दिन संकट नहीं आएंगे, आए दिन उसमें समस्याएं नहीं आएंगी, लोगों को आर्थिक क्रियाकलाप करने में अनावश्यक शक्ति और श्रम और बुद्धि व्यय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जीविका ज्यादा कष्ट साध्य नहीं होना चाहिए। अगर जीविका उपार्जित करना बहुत कष्ट साध्य है, सारा समय शक्ति उसी में चली जाती है, तो फिर जीवन की किस जीवन की आप कल्पना कर रहे हैं? अगर सुबह 8 बजे से हम लेकर और रात के 8 बजे तक हम रोजी रोटी में ही लगे हुए हैं तो फिर किस जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं? किस प्रकार की सभ्यता आप बना रहे हैं? तो इसलिए फिर उसमें मनुष्य धीरे धीरे मनुष्यत्तर सब ह्यूमन होता चला जाता है। जो आजकल के ग्लोबलाइजेशन का खासतौर से जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका पूरा समय 24 में से मेरे ख्याल से 18 या 19 घंटे अब तो काम के घंटे भी तय नहीं रह गए। समाजवाद जब तक था तब तक ये भलाई थी कि काम के घंटे तय थे कि भाई 10 बजे जाइए, 5 बजे आप तक में काम करिए। अभी ऐसा वैश्वीकरण का युग आया कि ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम चलता रहता है, और हम देखते हैं कि लोग आजीविका के लिए 24 में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। क्या ये 18-20 घंटे की जो अर्थव्यवस्था है उसके दूसरे दुष्परिणाम आपके ऊपर क्या पड़ रहे हैं? आपने कभी इस पर विचार किया? आपके पारिवारिक जीवन का क्या हो रहा है? आपके स्वास्थ्य का क्या हो रहा है? आपके सामाजिक जीवन का क्या हो रहा है? और आत्मिक जीवन को तो खैर भूल ही जाइए, ऐसे में कौन किसको भगवान याद आएगा, है ना? वो आत्मिक कला साहित्य जो जीवन के जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली चीजें हैं उनकी तरफ तो ध्यान देने की कब फुर्सत मिलेगी? अगर किसी में रुचि भी है तो उसके पास समय नहीं, और धीरे धीरे जिसके पास रुचि है वो रुचि भी खत्म हो जाएगी इस जीवन की आपाधापी में। तो जितनी चीजें मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं उन सब से तो हाथ धो रहे, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ये किस प्रकार की व्यवस्था हम बना रहे हैं कि मनुष्य का, मैन का सब ह्यूमन होना क्या ये लक्ष्य है, क्या ये प्रयोजन है? इसके लिए हम अध्ययन करते हैं। तो इसलिए परिवेश पर आधारित जो अर्थव्यवस्था होगी, स्वदेशी पर जो आधारित अर्थव्यवस्था होगी, वही आपके आर्थिक जीवन को श्रम साध्य नहीं बनाएगी, और उसी अर्थव्यवस्था में आप जीवन के जो उच्चतर आनंद हैं उनकी प्राप्ति के लिए आपके पास अवकाश होगा, लेजर होगी। उस लेजर का इस्तेमाल करके आप जीवन के जो तमाम दूसरे पक्ष हैं जिनसे मनुष्य मनुष्य बनता है, जो कि आनंद के स्रोत होते हैं, उनकी आप प्राप्ति कर सकते हैं। और तीसरी बात, अर्थव्यवस्था राज्य पर कम से कम निर्भर होना चाहिए। आज की सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो राज्य के हाथ में है, लेकिन भारतीय दृष्टि यह है कि राज्य केवल वॉचमैन है, प्रहरी है। वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन न करे, उसका काम केवल वॉचडॉग करने का है। जैसे कि कुत्ता होता है, रखवाली करता घर की, वो घर के सारे जिम्मेदारियां वो नहीं उठाता है, उसका काम केवल एक निगेटिव है, नकारात्मक है कि घर सुरक्षित रहे।
या जैसे कि मोहल्ले में वॉचमैन होता है, प्रहरी होता है, कि वो हमको हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन वो हमारे घर का संचालक नहीं होता है। तो राज्य जो है वो राज्य वो प्रहरी के रूप में कार्य करे। बाकी जो मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप हैं उनको करने के लिए मनुष्य के समाज में विभिन्न समूह, विभिन्न श्रेणियां, विभिन्न संस्थाएं हो, और वो ये स्वायत्तता के साथ जब काम करेंगे, इसी को ऑटोनॉमी कहते हैं, उस स्वायत्तता में आपकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी। राज्य का अगर बहुत अधिक अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होगा तो राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक स्वार्थ मिल जाएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। दोनों जहर हैं, राजसत्ता भी जहर है और धन भी जहर है। दोनों जहर अगर मिल गए तो कितने घातक होंगे, आप इसकी अनुमान कर सकते हैं। इसलिए दोनों का सेपरेशन होना चाहिए, दोनों का विभेदीकरण होना चाहिए, कि जो अर्थव्यवस्था है वो समाज की अपनी शक्तियों और संस्थाओं के बल पर संचालित हो, अन्य उसके कोई राज्य के हाथ में उसकी नकेल ना हो, राज्य उसका कर्ता धर्ता ना हो। ये जो तीन मूलभूत सिद्धांत हैं, इनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय जो दृष्टि है अर्थवादिता की, आर्थिक जीवन की, अब आप देख सकते हैं कि वो जो दृष्टि है वो पाश्चात्य दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। वहां पर चार पुरुषार्थों में से केवल एक पुरुषार्थ अर्थ है। चार पुरुषार्थ माने गए भारतीय दृष्टि में, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। अर्थ उसमें से एक पुरुषार्थ है और अर्थ का आधार धर्म है, और धर्म पर आधारित जो अर्थ होगा वही मोक्ष कारक होता है, वो सहज रूप से आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। क्या पाश्चात्य जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसमें इस प्रकार की कोई परिकल्पना आपने कभी पढ़ी, या कोई चिंतक कभी इस प्रकार की दृष्टि रखता है? कहीं भी नहीं रखता, चाहे वो राजनीति शास्त्र में भी यही समस्या है और दूसरी जगह भी यही समस्या है। तो इसलिए इंटेग्रिटी जो है, मनुष्य जीवन की जो पारस्परिकता है, उसको तोड़ के आप मनुष्य के आर्थिक जीवन को नहीं देख सकते, और अगर आप देखेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय दृष्टि है अर्थशास्त्र की और जो पाश्चात्य दृष्टि है उसमें एक मौलिक अंतर है। दोनों के बीच जो खाई है उसको पाटा जा पाना संभव नहीं। प्रश्न ये उठेगा कि क्या समन्वय नहीं हो सकता? तो आग और पानी का कोई समन्वय नहीं हो सकता। अगर आग प्रभावी होगी तो पानी सूख जाएगा, और पानी प्रभावी होगी तो आग बुझ जाएगी, दोनों का समन्वय संभव नहीं। जो इनकम्पेटेबल चीजें हैं, जो बेमेल चीजें हैं, उनके बीच समन्वय नहीं होता, उनके बीच विकल्प होता है कि आप इस मार्ग पर जाएंगे या इस मार्ग पर जाएंगे। हम लोगों को जो कि आधुनिक विषय पढ़ते हैं, आधुनिक विद्याएं पढ़ते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षार्थी हो, उनको इस विकल्प के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद।